हेलो बच्चों, आंकिक समाकलन में आज देखिएगा कुछ और क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो कंसेप्ट है, मान लिया ये लेक्चर मैं करा रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर मान लिया 3 है और आपने 1 2 नहीं देखे, तो इसमें हम क्या करा रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में आप जरूर देखिए कि क्या कराया आपने, जिससे कि ये समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा। तो बच्चों, ये है प्रश्न, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। मतलब डिफरेंट टाइप से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप पढ़ें और सॉल्व करें। ये कल जो आपने बताया था, थोड़ा सा ऐसे ही एक आइडिया देते हैं कि हमें एक रफ आइडिया हमने एरिया का दिया था, एरिया के लिए कि हम कैसे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स की वैल्यू बाई आकलन कर सकते हैं। तो बहुत सारी पट्टियाँ यहाँ पर हमने बनाई थी, ऐसे ये बहुत सारी पट्टियाँ बनाई थी। तो हमने बताया था कि एक पट्टी का एरिया निकाल लीजिए और सब बराबर बराबर पट्टी हैं, तो हर एक पट्टी का अलग अलग एरिया मिलता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू y1, y2, y3, y4, और इनकी थिकनेस हमने इक्वल ले ली थी h h h। तो एक का हो गया h y 1। तो ऐसी n पट्टियां हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा n को h से, तो इन सब का एरिया निकल जाएगा। तो एक पट्टी का एरिया निकाल लो, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, उन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो उन सबको जब ऐड करेंगे तो ये टोटल एरिया आपको मिल जाएगा। इस टाइप से एक एरिया वाली बात है, ऐसी वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैसे डाटा गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो ये तो एक एग्जांपल है एरिया के लिए कि हम कैसे आकलन उसका करते हैं। सम इंटीग्रेशन जो होता है, एक तरह से एलिमेंट्री चीज़ों का सम होता है, समीशन की फॉर्म में। तो उसको इंटीग्रेट किया उस पॉइंट से उस पॉइंट तक, तो ऐसे ही उस फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो आप इक्वल डिस्टेंस की एलिमेंट्री चीज ले रहे हैं, उन सब का सम कर दीजिए जो एक दूसरे से मिली हुई है, तो वही इक्वल हो जाएगा। तो चलिए, लगभग मतलब ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट आती हैं, कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है। तो इसी उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी बुक से, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू 5 को 4 बराबर भागों में डिवाइड करो और इसको बांटकर सिम्पसन के नियम द्वारा 1 टू 5 dx अपॉन 1 प्लस x का मूल्य ज्ञात करो। मूल्य ज्ञात करने का मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो कल भी हमने बताया था एक क्वेश्चन ऐसा, जब सारणी आपको नहीं दी जाती तो सारणी बनानी पड़ती है। तो सारणी के लिए यहाँ पर हेयर y इज इक्वल टू है 1 अपॉन 1 प्लस x, और x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर आप रखते जाइए। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, एक वैल्यू का जो पार्ट आएगा, मतलब 4 बराबर भागों में अगर हमने इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पर देखिएगा हेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 5, तो h इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a अपॉन n, n को दिया आपने 4, 4 बराबर भागों में, 5 माइनस 1 बाई 4, तो 4 बाई 4 तो 1, तो सॉरी तो 1 इक्वल पार्ट आ गया। समझ,
तो ये y इक्वल टू 1/1 + x यहाँ हमने मान लिया। अब x की जो वैल्यू दी हुई है, देखिए x की वैल्यूज रखते जाए और फिर उसके नीचे टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1। उसके बाद ये वैल्यू जो इक्वल डिस्टेंस पर हमने ली हुई है, इसमें जो इक्वल अंतराल लिया हुआ है, बराबर अंतराल लिया हुआ है, वो क्या है, 1 है। तो अब इस 1 को लेकर चलते हैं, 1 1 ऐड करते चले जाएंगे हर एक आर्गुमेंट में। ये आर्गुमेंट्स होते हैं वैल्यू, 1 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। अब इनके आधार पर ये वैल्यू निकलेंगे। देखिए वाई की वैल्यू 1/1 + x, तो 1/1 + 1, 1/1 + 2, 1/1 + 3, एक्स की जगह ये वैल्यू आती जाएंगे एक्स की, 1 + 4, 1 + 5। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो ये वैल्यू है हमारे पास y0, y1, y2, y3 एंड y। तो ये इक्वल पार्ट हो गए बाय सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल क्या है, बाय सिम्पसन रूल। देखिए सिम्पसन रूल जो है फर्स्ट और सेकंड दो रूल है सिम्पसन के, तो पहला रूल ले लिया जाएगा, चाहे सेकंड से भी कर सकते हैं, तो मर्जी है वैसे आपकी, जिससे मर्जी आप करें। तो यहाँ पर इजी रहेगा क्योंकि ये याद रहेगा हमेशा। तो ए इक्वल टू h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट और प्लस 2 times even and 4 times odd, ये फॉर्मूला है। तो h की जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई है, 1। दिस इज 1/3 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट है दिस 1/2 एंड प्लस लास्ट है जो 1/6, इन दोनों का सम प्लस 2 times even। इवन नंबर, देखिए इवन नंबर कौन से होंगे, फर्स्ट तो हम ले चुके हैं, तो ये तो हम लेंगे नहीं, ये हम लेंगे नहीं, फर्स्ट और लास्ट ये हम ले चुके। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनमें इवन और ओड देख लीजिए। इवन कितना है, y2 एक ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। 4 times odd का सम, odd जितने भी हैं हम सब का सम, odd वैल्यू है हमारे पास 1 and 3। तो 4 into 1 की जगह ये 1/3 प्लस 1/5, ये ब्रैकेट। तो 4 times odd का सम, odd o का मतलब होता है जो odd वैल्यूज हैं उनका सम। तो odd y1 और y3, तो y1 + y3, y1 की वैल्यू 1/3, y3 की वैल्यू 1/3, उनका सम। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, इनको आप ऐड कर सकते हो, 1/6 है ये, 6 है हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, और ये 1/2, यहाँ पर 15 LCM, 4 as it is, 15 LCM, 5 + 3 हो गया 8, और बस इसको आप कैलकुलेट कर लें, कर सकते हैं ये 2/3 प्लस हाफ और प्लस, यहाँ से तो कैंसिल नहीं होगा, 32/50। तो कैलकुलेट कर लेंगे, इनको ऐड करना है, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, आपकी एक्सरसाइज से ही है, क्वेश्चन नंबर 13। एक नदी 80 मीटर चौड़ी है, ध्यान से सुने, एक नदी 80 मीटर चौड़ी है, एक किनारे से एक्स दूरी पर गहराई वाई मीटरों में सारणी दी गई है, तो नदी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल निकाले, लगभग क्षेत्रफल निकाले। तो इसमें देखिए सारणी कैसे दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स की वैल्यू दी है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80। इस पर वाई की गहराइयाँ दी हुई हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर है 0 गहराई, और फिर 4, 7, 9, 40 पर है 12, 50 पर है 15, 60 पर है 14,
70 पर 8 एंड 80 पर है 3। तो ये वैल्यूज गिवन है। तो ये जो भी क्षेत्रफल बनेगा इस डाटा के अनुसार वो हमें काउंट करना है। तो अकॉर्डिंग अब क्षेत्रफल क्या होता है, वाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल ए इक्वल होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो और कहाँ से, जीरो से लेकर 80 तक, एक्स फ्रॉम 0 से 80 तक का क्षेत्रफल, यानी ये वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर कोई इंटीग्रल अलग से नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, ये है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें अब आप देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है। हेयर ए इक्वल टू 0 है आपके पास, और b इक्वल टू है 80। n कितने भाग हैं, देखिए 1 2, हमेशा हमें बीच वाला पार्ट ऐसे देखते हैं, इनके बीच का एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग, छह भाग, सात भाग और आठ भाग। तो कितना आ गया, 10। अच्छा, तो अब h की वैल्यू निकालते हैं। देन h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। ये b की वैल्यू है यार, b की वैल्यू क्या थी, 80 यहाँ, ठीक है, 80 माइनस 0 अपॉन 8, तो ये वैल्यू आ गई 10। तो ये h की वैल्यू आ गई आपके पास। n आपको पता ही है जितने इक्वल पार्ट। अच्छा, डायरेक्टली h की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते थे, देखो यहाँ इंटरवल जो दिया हुआ है, कितने कितने का इंटरवल है, 10 10 10 10, तो h की वैल्यू होगी, देखो h की वैल्यू 10 आ गई। तो ऐसे भी h की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं इंटरवल से। अब फॉर्मूला है सिम्पसन रूल के द्वारा हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल। तो सिम्पसन के द्वारा कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। चलो अब 3/8 से कर लेते हैं, बाय सिम्पसन 3/8 रूल। चलो देखते हैं सिम्पसन 3/8 रूल से। एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3h/8, फॉर्मूला y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स y1 y प्लस y2। फिर यहाँ पर क्या है, एक एक छोड़कर दो लिए, एक छोड़ दो, फिर दो लो, फिर एक छोड़ दो ऐसे, और प्लस y4 प्लस y5, फिर दो छूट जाएंगे ऐसे, और 2 टाइम्स में जो यहाँ पर छुटी हुई वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे 2 के बाद 3 आता है तो y3, y4 y5 के बाद 6 आता है तो y6, फिर y9, 3 के टेबल में चलती चली जाएंगे ये वैल्यूज। ये फर्स्ट और लास्ट है। अब देखिएगा आपके पास ये y0 है, दिस इज y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8। ये वैल्यू यहाँ रखें, 3 × एच की वैल्यू कितनी है, 10/8। फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट है 0 और लास्ट है हमारे पास क्या है, लास्ट 3। यहाँ ध्यान रखिए एक्स और वाई दो वैल्यू दी हुई है, तो फॉर्मूले में वाई की वैल्यू यूज होती है। एक्स की वैल्यू कहाँ यूज होती है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे इससे पहले दिया था y इक्वल टू 1/1 + x टाइप, तो वहाँ पर ये x की वैल्यू रखते हैं और उससे y की वैल्यू मिलती रहे। तो मेन हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ये या तो गिवन होंगी या फिर ये हमें फाइंड करनी होंगी, वो x के आधार पर आएंगी। तो फॉर्मूले में हमेशा y की वैल्यू यूज होगी, इस बात का ध्यान रखें। 3 टाइम्स, अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट तो ले चुके, फर्स्ट ले चुके, लास्ट ले चुके, अब ये तो हम लेंगे नहीं, अब इनके बीच में जो बचे हैं उनके हिसाब से, पहला है y1, दो लगातार वैल्यू 4 + 7, और फिर एक छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये हम ले चुके, ये ले चुके, ये छोड़ दीजिएगा, अब ये लिया 12 और ये 15, दो लगातार लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर एक ये छोड़ देंगे सॉरी, और ये लेंगे, ये आई 8। अब देखो इसके आगे तो दी हुई है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये क्लोज कर दो। तो हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहला आप ले चुके, लास्ट ले चुके हो, तो पहले से कट कर दो आप रफली। अब यहाँ पर फॉर्मूले के लिए 3 times, दो लगातार वैल्यू, तो यहाँ से स्टार्ट होंगे y0 के बाद से, तो y1 y2 दो ले लिए, एक छोड़ देंगे, फिर दो लेंगे,
फिर एक छोड़ देंगे, फिर दो लेंगे, लेकिन दो यहाँ है नहीं क्योंकि एक ले चुके तो एक ही आ जाएगी फिर, ये क्योंकि ये वैल्यू यहीं पर आएगी इसी ब्रैकेट के अंदर, प्लस टू टाइम्स में थ्री के टेबल वाली जो वैल्यू है वाई थ्री पर नाइन प्लस वाई सिक्स पर फोर्टीन और प्लस आगे कहीं है नहीं, तो ये ब्रैकेट यहीं पर क्लोज, तो ये वैल्यू बन गई यहाँ पर 30/8। इन सबको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 27 और 7 कितना हो गया 27 और 7 हो गया 34 और 4 38 into 3 प्लस इसके बाद 9 + 14 कितना होता है 9 + 14 होता है 23 2 = 46। ये अब इसमें आप करें कितना, चलिए थर्टी बाई एट थ्री प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो 3 × 24 3 × 9 = 11 प्लस 46। अब इनको बस कैलकुलेट करना आपने, करते रहें कर ही लेंगे आप, 6 × 4 = 10 और 3 = 13 हो गया, 4 × 1 = 5 और 1 = 6 जो कैरी था और ये 1 163/8 × 30 इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर ले जा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एरिया हुआ अप्रोक्सीमेट एरिया, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, समझे बताओ आप इसको। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब समझिएगा। एक मोटरसाइकिल का वेग किलोमीटर प्रति मिनट जो विराम अवस्था से चले, विराम अवस्था से चले निश्चित समय अंतरालों में टी मिनट पर निम्नवत है, ये दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10, 18। एक मोटरसाइकिल का वेग, जो वेग है वो विभिन्न समय अंतरालों पर दिया है, ये वी की वैल्यू, टी समय अंतराल ये हो गए और वी ये दिया हुआ है 10, 18, 25, 29, 32 लिखते जाए 32, 20, 11, 5, 2, 11, 5, 2 and 0 ये वैल्यू आपको दी गई। तो अब आपने क्या ज्ञात करना है कि दूरी ज्ञात करनी, 20 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करनी। तो देखिए वेग और टाइम दिया हुआ है, दूरी ज्ञात करनी है, तो वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है ds/dt, राइट। तो ds इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए vdt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी s = (integral vdt) और v को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, टाइम 2 से लेकर 20 तक, 2 to 20। तो ये है हमारे पास। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर फॉर्मूला सिम्पसन, अब कोई सा लगा लो, अब की बार मान लिया ट्रेपेजोइडल रूल ले रहे हैं आप, तो बाई ट्रेपेजोइडल रूल
अच्छा चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ सिम्पसन रूल कहाँ लगता है। सिम्पसन रूल मोस्टली वैसे तो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि कौन से रूल से बनना है और आप सोच रहे हैं कि हम कौन सा रूल लगाएं, तो और सिम्पसन चाह रहे हैं कि सिम्पसन लग सकता है कि नहीं, तो सिम्पसन रूल का मतलब है कि ये जो भाग दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भाग दिए हुए हैं, तो ये भाग अगर सम हो जाए और कोटि भी सम हो जाए, तो कोटि तो भी सम हो जाएगी, ये वाली कोटि होती है 1 2 इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर ये कोटि 10 है तो भाग हो जाएंगे विषम, और कोटि अगर विषम सम है तो भाग हो जाएंगे विषम। तो यहाँ पर अगर विषम भाग सॉरी सम भाग हमारे पास है और कोटि विषम है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं सिम्पसन कौन सा रूल, 1/3 या फिर 3/8 रूल। तो मोस्टली तो सिम्पसन 1/3 के लिए हम कह सकते हैं कि विषम पार्ट का हम यूज कर लेंगे। सिम्पसन 3/8 है, ट्रिपल जीरो लाइन में कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, सम हो या विषम हो। तो एक बार फिर सुन लें कि अगर हमारे पास यहाँ पर सम भाग है और कोटि विषम है, तो सिम्पसन 1/3 का रूल आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों रूल जो हैं वो आप कहीं भी अप्लाई कर लें। तो सिम्पसन रूल के लिए आप समभाग विषम कोटि, समभाग विषम कोटि ध्यान रखें, ठीक है ना। और वैसे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर अप्लाई करने के लिए कह दिया और उसमें विषम भाग भी दिए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग सकता है, यूज कर सकते हैं। चलिएगा बाय ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल देखिए क्या है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर ए इक्वल टू, तो यहाँ में निकालना है एस इक्वल टू 2 to 20 और VDT। अब इसका फॉर्मूला बना लीजिएगा H/2, फॉर्मूला वही रखना है H/2, दिस इज Y0 प्लस YN फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 2 टाइम्स जितने भी नंबर बचे बाकी। अब देख लो कितने नंबर बच रही है, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, ये हमारे पास। तो फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दो, बाकी सब जो है वो यहाँ पर सम हो जाएगा। तो बाकी सबका सम Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 Y4 Y5 Y8 तक जाएगा। अब H/2, H अंतर देखो, दो दो का अंतर है, जरूरत नहीं निकालने की, अगर निकालोगे अभी तो भी 20 माइनस 2, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 20 है, तो एच होता है B-A/N, तो 20 माइनस 2 B-A/N हुआ 20 है माइनस 2 अपॉन एन, कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग हैं, 9, तो कितना हो गया 18/9, तो 2 आ गए और 2 2 का अंतर है, समझ रहे हो, है ना। तो चलिए यहाँ पर एच की वैल्यू आ गई 2/2, Y0 फर्स्ट 10 और अंतिम कितना है 0, 2 टाइम, बाकी सबको ऐड कर लो 18 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2, कुछ नहीं सोचना, फर्स्ट और लास्ट छोड़कर बाकी सबको ऐड कर लो और उनका हो जाएगा ये 2 टाइम्स। तो ये तो पूछे टू कैंसिल 10 प्लस, आप इनको ऐड करते रहो भाई, देखो ऐड कर लेना और 2 से मल्टीप्लाई उसके साथ 10 ऐड कर देना, ये आपका रिजल्ट आता है।